हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फील्ड बुक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस फील्ड बुक में ये एक तो परमानेंट बुक होता है। ठीक है, इसमें जो भी रिकॉर्ड लिया जाता है वो परमानेंट उसमें इंक रहता है। ठीक है, या नंबर रहता है। इसमें जो भी पेजेस रहते हैं वो सारे सीरियली नंबर रहते हैं। जैसे आप कहीं जॉब करते हो, अगर गवर्नमेंट फील्ड में, अगर आप किस नौकरी लगती है गवर्नमेंट फील्ड में, तो आप जूनियर इंजीनियर वगैरह बनते हो या लैंड सर्वेयर में रहते हो, तो आपको एक बुक दी जाती है फील्ड बुक। ठीक है, उस आपके नाम पे इशू होगी और उसको बहुत ध्यान से रखना होता है। अगर आप इसको घुमा देते हो या खो जाते हो तो आपको ऊपर FIR भी हो सकता है। ठीक है, तो ये परमानेंट बुक होती है जिसको बहुत ध्यान से हिफाजत से रखना होता है। जो भी इसमें आप मेजरमेंट कर रहे हो या जो भी आप नोट कर रहे हो वो सारा इसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो फील्ड बुक होता क्या है, ये एक बुक है। ठीक है, जिसमें हमें चैन टेप का मेजरमेंट लिखा लिखा जाता है। ठीक है, जो भी चेन और टेप का मेजरमेंट करते हो, जिस बुक में एंटर करते हो उस बुक का वो क्या बोलते हो, फील्ड बुक। ठीक है, तो इसमें चेन या टेप का जो भी मेजरमेंट रहता है, ठीक है, उसको लिखा जाता है। और दूसरा है, इसमें बियरिंग वगैरह भी लिखा जाता है। मैग्नेटिक बियरिंग वगैरह रहता है ना, बियरिंग बियरिंग या चेन और टेप का मेजरमेंट इसमें लिखा जाता है। बियरिंग को कंपास ट्रावर्सिंग भी बोलते हैं, जिसमें कंपास ट्रावर्सिंग क्या बोलते हैं, ये हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे ना, ज्यादा समझ में आएगा कंपास ट्रावर्सिंग। ठीक, ये एक ऑब्लॉन्ग टाइप का साइज का रहता है, जिसका डायमेंशन क्या रहता है, 200 mm by 120 mm का रहता है। ठीक, इसको मिटा दो। इसका डायमेंशन 200 mm by 120 के कैसा, मतलब ये है ना, इस टाइप का रहेगा आपका, ये इस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये इधर आपका रहेगा कितना, 20 सेंटीमीटर, और ये इधर रहता है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये 12 सेंटीमीटर का रहता है। ये खुलेगा कैसा, ये इस टाइप में खुलेगा ऐसा, ये ना, ये लेंथ वाइज, ये लेंथ वाइज जब खुलोगे ना, यहाँ इसको पकड़ोगे, इसको लपड़ करके ऐसे उठा के खोल लोगे। ठीक है, तो लेंथ वाइज रहेगा। और जब इसको खोल लोगे तो ये डबल हो जाएगा, जस्ट जितना है ये है तो इतना इधर ही खुल जाएगा ये। ठीक है ना, देखो ये आपका था, ये 12 और ये 20 सेंटीमीटर, जब खोलोगे तो ये जस्ट ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना रहेगा, 12। ठीक है, तो ये इस टाइप का बुक रहता है, कॉपी टाइप की समझ सकते हो, नोटबुक टाइप का है, एक नोटबुक टाइप का है, तो ये बुक हो गया। अब इसमें ना दो लाइन खींचा रहता है। पहला क्या रहता है, ये है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक खींचा रहेगा, और ये कलर कौन सा, रेड कलर से खींचा रहेगा। तो एक तो ये हो सकता है कि ये सिंगल लाइन होगा, और दूसरा क्या हो सकता है कि ये इसी में एक डबल लाइन होगा। ठीक है, तो सिंगल लाइन हो या डबल हो, तो क्या बोला हमने, फील्ड बुक दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, फील्ड बुक दो टाइप का होता है, एक है सिंगल लाइन और दूसरा डबल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन देखा, जो एक सिर्फ सिंगल लाइन हो तो सिंगल लाइन फील्ड बुक बोलते हैं, जिसमें दो लाइन हो तो डबल लाइन फील्ड बुक बोलते हैं। तो देखो सिंगल लाइन मिस टाइप का रहता है, ये फील्ड बुक है, उसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसको हम लोग समझेंगे अभी। तो ये जो लाइन जो खींचा हुआ है ना, ये रेड कलर का रहता है, ये रेड से रहता है। ठीक है, ये ब्लैक नहीं रहता है, ये जो है ये सारा आपका रेड रेड में रहेगा। ठीक है, आप इसको समझ रहे हो ना, ये जो भी सेंटर लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये कौन सा कलर से रहेगा, रेड लाइन का रहेगा। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 20, है ना, 20 सेंटीमीटर। और दोनों साइड खोल दे, दूसरा आया तो 20 20 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायमेंशन होता है। ठीक है, अब ये सारा इसमें नोट करते हैं, तो देख लो जरा, ये सिंगल लाइन फील्ड बुक है और ये डबल लाइन फील्ड है। डबल लाइन फील्ड में दो लाइन रह जाती है, ठीक है, और सिंगल लाइन फील्ड बुक में सिंगल लाइन रहती है। अब इसको समझते हैं क्या, ये कौन सा है, ये सिंगल लाइन फील्ड बुक है, कौन सा है, ये है सिंगल लाइन फील्ड बुक, सिंगल लाइन फील्ड बुक। अब इसमें क्या होता है, ये जो सेंटर लाइन में जो ये है ना, ये लाइन रहती है सिंगल, तो सिंगल बोल दिया,
अब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको ए लिखा है और एक एंड पॉइंट है जिसको बी लिखा है। तो ए और बी क्या है? मेन स्टेशन है। ए और बी क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन स्टेशन। क्या बोलते हैं? मेन स्टेशन। ठीक है, तो ये स्टेशन हो गया। अब इसके बीच में जो ये जो नंबर लिखा है ना, 5.5 हो गया, 10 हो गया, 20.5 हो गया, 30, ये सारे जो लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग, ये चेनेज है। क्या है? ये चेनेजेस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेनेजेस बोलते हैं। जो भी चैन लाइन, ये क्या है? ये सारा जो रिलेटेड लाइन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैन लाइन बोलते हैं। ठीक है, आप समझ लो, लिख लेना अपने लैंग्वेज में। तो ये सारा क्या है? ये चैन लाइन, ये सीधा हमारा चैन लाइन है। मतलब एक स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, इन दोनों लाइन को जो कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं क्या हम सर्वे लाइन, और इसको क्या बोला? चैन लाइन बोला, जिसमें हमने यहाँ चैन चलाया। ठीक है, चैन से मेजरमेंट किया, और जो भी लिखा है वो सारा चैनेजेस है। तो ये सारे 5 है, ये 10 है, ये 20.5 है, ये 30 है, ये 34 है, 40, 50, 60, 70, 80। इसका मतलब क्या है? ये ए और बी तक का एक स्टेशन है जिसका लेंथ कितना है? 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर। ए पे 0 था ना, और बी पे 80 है। अब ये क्या बोल रहा है? जो भी डायमेंशन इसमें लिखा है वो सारा किस में होगा? मीटर में होगा। ऑल डायमेंशन आर इन मीटर। ठीक है, हमने क्या बोला है? इसमें फील्ड वेव को क्या मेजरमेंट करते हैं? एक तो हम क्या मेजरमेंट करते हैं? जिसका चैन या टेप मेजरमेंट करते हैं, और दूसरा क्या है? हम लोग बियरिंग मेजरमेंट करते हैं। बियरिंग जो भी मेजरमेंट करते हैं ना, उसको हम लोग लिख लेते हैं बियरिंग। तो ये बियरिंग है। ठीक है, तो ए बी लाइन का ये 4 बियरिंग है। एफ बी लिखे ना, एफ बी मतलब है 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, 30 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, इसको डिग्री बोलते पहले वाले को, दूसरे वाले को मिनट बोलते, तीसरा अगर होगा तो सेकंड बोलेंगे। और ये क्या लिखा? बैक बियरिंग ऑफ ए बी 210 डिग्री 0 मिनट। ये हम लोग आगे देखेंगे कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है। ये अभी इतना आप नहीं समझो, बस इतना मानो कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का है ये, कंपास ट्रावर्सिंग में उसका है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। तो ये लाइन ए बी का दिया हुआ फोर बियरिंग और लाइन ए बी का बैक बियरिंग दिया, तो ये लिख लिया। अब क्या हुआ? ये 4.5 मीटर, 5.5 मीटर का चैनेज है। अब ये क्या लिखा? 10 मीटर। 10 मीटर के चैनेज पे क्या आ रहा है? टी से लेकर के T8 तक का एक लाइन आ रहा है, जो कि यहाँ पे मिल रहा है, उसको शो कर लिया। जो स्टेशन पे मिल रहा है उसको नाम दिया है इन लोगों ने T1। T1 मतलब होगा ये जो पॉइंट है ना, ये कोई टाई लाइन, टाई स्टेशन होगा, ये टाई लाइन है। टाई लाइन आ रहा है इधर से, तो यहाँ पे ज्वाइन हो रहा होगा 10 मीटर, वो शो कर दिया। अब ये देखो 5.5 है, ये 5.5 है ना, ये 5.5 है, ये कोई बाउंड्री फेंस बाउंड्री है, उसको इन लोगों ने टारगेट किया लिखा है। तो ये 5.5 साहब इधर आओगे, ये क्या लिखा? 10। इसमें नंबर जो लिखा है ना, बस नंबर हमें समझना है कि नंबर क्या है। ठीक है, ये 5.5 क्या है? चैनेज है। मतलब 0 पॉइंट से लेकर, वो पॉइंट 0 है, 0 से लेके आप जैसे आगे मूव करते हो 5.5 मीटर पे आओगे, तो राइट साइड में जब जैसे 10 मीटर चलोगे ना, 10 लिखा है ना, मतलब 5.5 से राइट साइड में 10 मीटर चलोगे तो ये आपका एक ये पॉइंट आएगा। ये दिख रहा है मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे तो ये 10 मीटर पे आएगा। ठीक है, वैसे थोड़ा और आगे गए हम लोग 20.5 पे, जब 20.5 से राइट मेजर करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला देख रहे हो, ये वाला, ये देखो मेरे पॉइंटर के बिल्कुल सेंटर में ये वाला पॉइंट कितना है? 20.5 मीटर से राइट साइड जब मेजरमेंट करें तो 12 है। तो ये कोई बाउंड्री थी, उसका इन लोगों ने मेजरमेंट किया है। ये 5.5 मीटर पे बाउंड्री स्टार्ट हो रहा है जो 10 मीटर है, और इधर ये जो हम जो इधर जा रहे हैं ना राइट में, 20.5 से इधर जो 12 जा रहे हैं, तो 12 क्या है? ऑफसेट है। क्या है? ऑफसेट, जो हमने पढ़ा था ना, ऑब्लॉन्ग ऑफसेट और परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया, कितना? 12 मीटर का। ठीक है, फिर जैसे हम लोग 30 पे गए तो एक रोड इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये हम लोगों ने ये रोड बनाया। ठीक है, ये 30 मीटर। फिर 34 मीटर पे गए तो दूसरा, मतलब ये रोड का विड्थ हो गया ना कितना, मतलब ये 30 मीटर पे स्टार्ट हुआ और 34 मीटर पे एंड हुआ है, मतलब 4 मीटर का रोड है। ठीक है, फिर जैसे हम आगे गए 40 मीटर पे, तो राइट साइड में एक रोड का एक पॉइंट लिया, कितना? 6 मीटर। मतलब हम कभी भी नापेंगे कि जब ए पॉइंट से 40 मीटर का आगे जा करके एक 6 मीटर का ऑफसेट लेंगे तो ये रोड का ये पॉइंट हमें पता चल जाएगा। फिर जैसे एक 50 मीटर पे जाओगे तो देखो राइट साइड में एक 5 मीटर, ये ऐसा बना ना, ये कोई एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये क्या है? एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग का डायमेंशन इन लोगों ने लिखा है। तो 50 मीटर के राइट साइड में जैसे जाएंगे हम लोग तो 5 मीटर का ऑफसेट लिया, कितना? 50 मीटर का चैनेजेस है। 50 मीटर मतलब 0 से लेकर के ए पॉइंट से लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो 50 मीटर पे, तो 50 मीटर आपका चैनेज हो गया। और इसका राइट साइड में 5 मीटर का ऑफसेट जाते हो तो एक ये पॉइंट आता है, ये जो पॉइंट दिखना नहीं है, ये वाला मेरा जो, देखो
जो रेड पॉइंट दिख रहा है आपको वीडियो में, ये सेंटर में बिल्कुल, तो ये 5 मीटर का एक ऑफसेट पे पॉइंट ले लिया। फिर जैसे ही हम लोग 60 मीटर पे जाते हैं तो एक 5 मीटर का ऑफसेट लिया, तो ये एक लाइन खींच दिया इन लोगों ने, कोई तो एग्जिस्टिंग ये बिल्डिंग होगा उसका लिखा इन लोगों ने, तो ठीक है ये तो इतना हो गया। अब ये वाला पॉइंट चाहिए था हमें, तो अब ये जो 4 लिखा है ना, 4 कहाँ से, ये यहाँ से है, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, मतलब ये टोटल यहाँ से 60 पॉइंट से 9, 60 मीटर का चेनेजेस है, 60 मीटर का चेनेजेस, जैसे ही हम इधर 9 मीटर पे आएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 5 मीटर तो आपका ये हो गया सिंपल, ये वाला यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, 4 मीटर है, तो 4 मीटर इधर हो गया, ये भी 4 मीटर का इधर, तो ये एक ब्लॉक तैयार हो गया जो कि बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का डायमेंशन आ गया। सिमिलरली इधर हमारा लेफ्ट में भी दिख रहा था क्या, कि 50 मीटर के चेनेजेस पे लेफ्ट साइड में 8 मीटर दूरी में हम जाएंगे तो एक ये पॉइंट आता है, और 60 मीटर पे 9 मीटर की दूरी पे जाएंगे तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा तिरछा है, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है ना, ये 8 मीटर पहले आ गया, 9 मीटर थोड़ा अंदर जाएगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना, 1 मीटर हो गया। अब सिंपल इसका कितना विड्थ कितना है, 4 मीटर है, मतलब 9 मीटर से 4 मीटर एक लाइन इधर गए और 8 मीटर से 4 मीटर इधर गए, और ये जो दोनों पॉइंट है उसको ज्वाइन कर देते, ये आपका एक बिल्डिंग आ गया, ठीक है। ऐसे सिमिलरली हम जैसे 70 मीटर पे गए, मतलब ये चेनेजेस हमारा 70 है, ये कोई टी से लेकर के T3 का एक टाई लाइन आ रहा है, ये इसको टाई लाइन ही जनरली बोलते हैं, ये डॉट डॉट जो रहता है ना, टाई लाइन आकर के 70 चेनेज पे जाकर के मिल रहा है, ठीक है, और ये 80 पे जाकर के एंड हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का फील्ड बुक हम लोग, जैसे आप ग्राउंड पे जाते हो और चेन या टेप का मेजरमेंट करते हो या बियरिंग लेते हो तो इस फील्ड बुक में एंटर करना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको एंट्री करनी होती है। इसमें जब एंटर करते हो तो आप इसमें किस लोकेशन का कर रहे हो, लोकेशन का नाम लिखो, आप कहाँ पे आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है, डेट कौन सा था, किस डेट से स्टार्ट कर रहे हो, डेट ऑफ स्टार्टिंग, किस डेट को स्टार्ट किया है, और डेट ऑफ कम्प्लीशन, किस डेट को आपका सर्वे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, डेट ऑफ कम्प्लीशन, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट था, ठीक है, कितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें, कितने टीम थे, कौन कौन से आपके टीम में लोग थे, और उन सबके साइन वगैरह, तो ये सारा लिखना होता है स्टार्ट करने से पहले, ठीक। तो ये क्या होगा, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में क्या होगा कि आपका सेंटर में क्या लिखा रहेगा, चैनेजेस, ठीक है, और उसके लेफ्ट या राइट में क्या लिखा रहेगा, ऑफसेट्स, ठीक। सिमिलरली इसी तरह से डबल लाइन चैनेजेस होता है, डबल लाइन फील्ड बुक, अभी हमने क्या देखा था सिंगल लाइन ना, अब ये क्या है, डबल लाइन, डबल लाइन फील्ड बुक, अंतर सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं, बस ये है कि ये दो लाइन के बीच में क्या लिखा रहेगा, आपका चैनेजेस लिखा रहेगा, ठीक है, दो लाइन के बीच में चैनेजेस लिखा रहेगा, लेफ्ट में या राइट में आपका क्या रहेगा, ऑफसेट्स रहेगा, ठीक है, लेफ्ट या राइट में क्या रहेगा, ऑफसेट्स रहेगा। तो ये सेम वही चीज है कि सारा डायमेंशन किस में हमारा, मीटर में है, तो इसको स्टेशन क्या है, ये मान लो ए है, ठीक है, ये कोई स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और जो भी डायमेंशन दिख रहा है उसको हमें लिखना है, और डायमेंशन इन मीटर, अभी लिखा 4 बियरिंग ऑफ ए बी, मतलब ए बी का 4 बियरिंग दिया हुआ था तो हमने लिख लिया कितना, 30 डिग्री 20 मिनट है ना, लाइन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, अभी लाइन बी यहाँ से एंड है, ठीक है, अब इसका बैक बेरिंग था तो बैक बेरिंग लिखते हैं, इतना ध्यान रखना, 4 बेरिंग हमेशा राइट में लिखते हैं और बैक बेरिंग हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, ठीक। तो जैसे 7.5 मीटर पे आए तो एक 12 मीटर का ऑफसेट है, देखो ये 7.5 है ना, ये पॉइंट 7.5 है चैनेजेस का, जैसे इसके राइट साइड में आया तो 12 मीटर का एक पॉइंट आया, तो हमने ये पॉइंट लगा लिया। फिर जैसे 20 मीटर पे गए तो राइट साइड में 15 मीटर का ऑफसेट डाला, तो ये लाइन एक खींच ली थी, ये क्या बोला, कोई एक बिल्डिंग होगा, ये विड्थ नहीं दिया है ना, इधर लाइन नहीं खींचा है, इसका मतलब कोई लंबी बिल्डिंग होगी, बहुत लंबी चली जा रही है, जिसको हमने मेजर करना नहीं समझा उचित, तो छोड़ दिया, सिर्फ यही जरूरत थी तो ये मेजर कर लिया बस, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब ऐसे ही 15 मीटर पर ये गोला लग रहा है ना, मतलब ये गोला लग रहा है, ये स्टेशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, टाई स्टेशन। 15वें मीटर पे कोई एक टाई लाइन आ रहा है, T1 से लेकर T4 वाला, T2 T4 एक लाइन आ रहा है, जिसको 15 मीटर चैनेज पे मिला हुआ है। अभी रोड क्रॉस हो रहा है, रोड क्रॉस किस पर हो रहा है, एक 40 पर हो रहा है, एक 35 पर हो रहा है, मतलब 5 मीटर का रोड है जो कि क्रॉस हो रहा है, तो 35वें चैनेज से क्रॉस होकर के 40वें चैनेज पे क्रॉस होगा, ठीक है, स्टार्ट 35 से हो रहा है और 40 पे खत्म हो रहा है, तो एक पॉइंट रोड का ले लिया हमने 18, कहाँ से, 60 मीटर से राइट साइड में 18 मीटर का था, ऐसे ही 60 मीटर से लेफ्ट साइड में कितना, 9.5 मीटर का एक ऑफसेट था, तो ये पॉइंट मिल गया हमें, 70 मीटर से लेफ्ट साइड में 10.5 मीटर का था, तो देखा इन दोनों में कितना, 1 मीटर का डिफरेंस है,
ठीक है, बनाने में ऐसा लग नहीं रहा लेकिन थोड़ा है डिफरेंस। तो ये 1 मीटर का डिफरेंस और ये 6 मीटर का हमारा विड्थ है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लिख लिया हमने, 6 मीटर का, ठीक है। तो ये बना लिया हमने। फिर 80 मीटर पे हमारा एक चैनेज है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, एक स्टेशन बनाया टाई स्टेशन। यहाँ पे एक टी से T3 का एक टाई स्टेशन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया। अब भी हमारा खत्म हो गया। तो इस टाइप का क्या होता है, ये हमारा डबल लाइन और सिंगल लाइन फील्ड बुक है। तो ठीक, मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन करके आप लोग मेरे को बताना, ठीक है। क्या है, एक फील्ड बुक बनाना है जिसमें चैनेजेस दिया है ए बी। मैं एक रफली समझा दूँ, ए बी चैनेजेस है कितना, 95 मीटर का। 95 मीटर का एक चैनेजेस, एक ऑफसेट दिया है किसका, पोन्ड का है। ऑफसेट किसका है, पोन्ड का ऑफसेट है। लेफ्ट साइड ऑफ चैन लाइन आ रहा है फॉलो, मतलब चैन का लेफ्ट साइड में एक पोन्ड है, ठीक है। इसका चैनेजेस दिया हुआ है और ये ऑफसेट से दिया हुआ है। दूसरा क्या है, एक रिवर है, ठीक है। रिवर है कहाँ, राइट साइड में, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड में। और उसका ऑफसेट और चैनेज मैं एक रफली बता देता हूँ। देखो ए और बी है, ठीक है। तो मान लो सिंगल या डबल किसी से भी बना सकते हो, तो मैंने सिंगल से बनाया। तो ये जब भी करते हो ना, तो ये मेन स्टेशन का पॉइंट होता है, ये हो जाता है ए और ये हो जाएगा आपका, ये एंड हो गया, ये हो गया बी, ठीक है। तो ये कितना 0 हो गया, कितना 95.5। तो ये यहाँ पे कितना आएगा, 95.5, ठीक है। अब लेफ्ट हमारा ये वाला कौन सा होगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोला, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट है, तो 10 15 20 25 30, मान लो ये कितना है, ये 10 हो गया, ये 15 20 25 30 40, मान लो ये 80 हो गया, 90, बहुत लंबा जाएगा। तो लेफ्ट साइड में 10 10 पे कितना है, 16 16, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे वो आया होगा, मान लो ये 16 हो गया। फिर 15 पे कितना है, 12 15, तो 16 है तो 12, तो मतलब इधर ही हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 12। फिर 20 पे कितना, 10, तो ये 20 है, तो 20 पे आ, तो ये थोड़ा 10 के 12 है, तो इधर ही आएगा, ये कितना हो जाएगा, 10। अगला क्या, 25 पे कितना, 40, 25 पे 14, तो 25 है तो 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, मान लो ये कितना हो जाएगा आपका, 14। फिर 30 पे कितना, 20 है, ये 30 है, तो 20 मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ 20, ठीक। तो अब ये सारे को ज्वाइन कर दो, ये इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये क्या हो गया, पॉन्ड बन गया। ऐसे ही आप राइट में क्या बनाओगे, रिवर बना लोगे, और जो बन जाएगा उसको एक बढ़िया सा एक लाइन से खींच देना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरे को करके बताना, और एक क्वेश्चन और है ये वाला, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन है, इससे आप करोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि फील्ड बुक में हम लोग एंट्री करते कैसे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।